टीआरपी के अपने अर्शी को 2 रुपीज वुमेन बोल दिया। चैनल ने मेरी गाली दिखाई और 2 रुपीज वुमेन दिखाई। उसने चैनल ने ये नहीं दिखाया कि उसने शिवांगी जी जो एक शिवजी की भक्त है जटा उन्होंने उनका पूरा धारण किया हुआ है और शिवजी का पूरा वो भभूति लगा दी। वो मजाक उड़ाते थे उन लोग भी उस चीज़ का और गंदे गंदे रिमार्क्स पास करते थे। अब एक साध्वी खाना बना रही है जिसका मैं पैर छूता हूँ, मैं मानता हूँ, भले मेरे से एज में ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन घर में सबसे बड़ी वो थी तो मैं उनको माता जी बोलता था, तो जिसका मैं पैर छू रहा हूँ वो खाना बना रही है, तू साली मेरी कम्युनिटी की होके तू उनके खाने में थूक के जा रही है, तेरे को ज़िंदगी में खाना नसीब नहीं होगा। और उनको बहुत सारी ऐसी फालतू चीज़ उन्होंने बोली जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरी माँ के बारे में कोई बोलेगा, आई विल टेक अ स्टैंड। मैं घर से बाहर निकला, आई सेड अगर नेक्स्ट टाइम तूने ये चीज़ की ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सिर्फ 2 रुपीज वाली वुमेन वाली बात है, और भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। अगर कोई कोई 2 रुपए अगर हरकत कोई 2 कौड़े की हरकत कर रहा है, आप सब देख रहे हैं कि वो किस तरह वही कर रही है, शी इज डूइंग फेक, डूइंग इट फॉर कैमरा। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है ना, मैं घर से बाहर निकल आने के बाद में मुझे कॉल आया, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो जो भी कर रही है एक्टिंग कर रही है। मैं उनको भी कैमरे पे लाके बिठा दूंगा, वो लड़की को जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, कि वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज। यार इक्वालिटी में बिलीव करते हो ना, लड़के ने गाली दिया तो गलत है, लड़की ने गाली दी तो जायज़ है। अगर कोई औरत 2 बटन नाइटी के खोल के ऐसा आके करे, विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल, ऑनेस्टली विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल, आई सेड मेरे बच्चे देख रहे होगे, तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ? आप टीआरपी के लिए आप क्या कर रहे हो? जो लड़की ये कहती है कि इंडिया जीतेगा तो मैं इतना जिप खोलूँगी, पाकिस्तान जीतेगा तो इतना जिप खोलूँगी, शाहिद आफरीदी सेंचुरी मारेगा तो मैं टॉपलेस हो जाऊँगी, उसकी मैं इज्जत करूँ? बट क्योंकि अर्शी वो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, तो दैट्स हर पर्सनल, आई एम नॉट स्टॉपिंग हर, बट उसकी इज्जत नहीं करना दैट इज माई चॉइस। मैं उनको लाइक करूँ, कहाँ लिखा हुआ है भाई हमारे संविधान में, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, लाइक नहीं करना है जुबैर, बट बात यहाँ पे होती है आप एक औरत की इज्जत नहीं कर रहे हो क्योंकि और, अरे तो उन्होंने 90 कैमरेज हैं जो आपको देख, 150 कैमरेज है, उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया कि उन्होंने एक साध्वी का और साधु समाज का गालियों में मजाक उड़ाया, खाने में थूका। मैं पागल नहीं हूँ और ना मुझे कोई वो चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। बाकी घर में और भी लड़की थी, बिनाफशा थी, बंदगी थी, इतने शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, मैंने उनके कभी उनके ड्रेस पे कमेंट किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? दे वर कैरिंग इट वेरी ग्रेसफुली, बहुत अच्छे से कैरी कर रहे थे, वो उन पर सूट कर रहा था, वो कहीं वल्गैरिटी नहीं में नहीं जा रहे थे। कौन सी बंदी दिन भर घर में नाइटी में घूमती है बताओ? वो भी सिल्क की, आधा ट्रांसपेरेंट है, कौन घूमता है? मुझे उनके कपड़े से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पास आके ऐसा चूचा करोगे तो आई हैव अ प्रॉब्लम। जिस तरह अगर मैं जिस आज जैसा मेरे राइट्स है, अगर मैं आपके सामने आके कुछ गंदी हरकत वल्गर हरकत करूं तो ऑन कैमरा आप कहोगे मेरे मॉम डैड देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। मैं अगर